नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और आज मैं आप पहुंची हूं कोडरमा विधानसभा में और यहां पर वर्तमान की विधायक नीरा यादव है और ये जो चौक आप देख रहे हैं इसे झंडा चौक के नाम से जाना जाता है। पास में अगर आप जाएंगे तो यहां पर झुमरी तलैया मार्केट भी बहुत फेमस है और इसी जगह से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है एक ऐसी दुकान जिसका कलाकंद बहुत मशहूर है। कहा जाता है कोडरमा आइए तो कलाकंद का स्वाद जरूर चखिए, क्योंकि पूरे भारत में जो आप कलाकंद खाते हैं और जो कोडरमा का कलाकंद है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है केसरिया रंग का कलाकंद जो कि काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं खाना। और कहा जाता है कि अगर यहाँ पर लोगों को मुंह मीठा करना होता है किसी त्योहार में तो वो कलाकंद खाना पसंद करते हैं और यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर वो दुकान है जो कि काफी पुरानी है, लगभग 60 से 70 साल पुरानी वो दुकान है जहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे, कलाकंद का स्वाद चखेंगे और फिर लोगों से बात करेंगे यहाँ के चुनावी समीकरण को लेकर, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर दो बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, एक तरफ अन्नपूर्णा देवी तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह। तो चलिए मेरे साथ करते हैं लोगों से बात और चखते हैं कलाकंद का स्वाद। आइए तो ये देखिए, ये है कलाकंद, ये फेमस कलाकंद है जो कि आपको मिलेगा झारखंड में और झारखंड में भी कहा कोडरमा में और कोडरमा में कहा कोडरमा विधानसभा में और कोडरमा विधानसभा में कहा तो मैं बता दूं झुमरी तलैया शहर में और झुमरी तलैया शहर में भी कहा तो ये भी जान लीजिए यहाँ पर झंडा चौक है, वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर जहां पर मैं इस वक्त हूँ और ये है आनंद विहार जो कि दुकान का नाम है और यही है सबसे पुरानी दुकान जहाँ के लिए लोग कहते हैं जाइए तो कलाकंद का स्वाद चक्कर जरूर आइए। ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारे दादाजी के ज़माने से ये कलाकंद मैं देखता आ रहा हूँ और आज डिमांड बहुत है कलाकंद की। बाहर अपने परिजनों के लिए मिठाई की सौगात के लिए कलाकंद ही लोगों की पहली पसंद है। बात मैं बताऊं दर्शकों को कि हम क्योंकि ये बात जानते हैं कि कुछ अगर अच्छा खाना है और दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो मीठा खाइए। अब ये देखिए कलाकंद जो है वो फिलहाल कट चुका है और अब इस पर डलेगा क्या? इसमें मेवा डलेगा, पिस्ता और बादाम का मेवा डलेगा। वो अभी देखिए अब गार्निश करके दिया जाएगा, उसको बढ़िया से गार्निश किया जाएगा। अच्छा, झारखंड में त्योहार कोई भी हो और खास करके कोडरमा में अगर बात करूं तो क्या सिर्फ लोग जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं तो कलाकंद जाना खाना पसंद करते हैं या कुछ और? रक्षाबंधन त्योहार में कलाकंद की डिमांड ऐसी होती है कि गरम गरम हम लोग बनाते हैं और उसको गरम गरम ही दे दिया करते हैं, वो अपने परिजनों के पास फ्रिज में रख करके ठंडा करके खाते हैं। अच्छा, आपने अब कलाकंद की बात की है तो मेरे दिमाग में जहन में एक सवाल आ रहा है, वो सवाल थोड़ा सा अलग है, वो सवाल थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है। माहौल क्या है कोडरमा? माहौल तो बढ़िया ही है, जो जीतेंगे सब अच्छा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको कैसे लग? बढ़िया है, मोदी का काम तो बहुत ही बढ़िया है। इस बार क्या दोबारा प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं? होप करेंगे, जनता उनको चुनेगी तो जाएंगे। मुस्कुराहट तो बता रही है, ये बड़ा पसंद करते हैं। भैया खिलाएंगे? चलिए स्वाद चख लिया जाए। प्लेट आ रही है और आनंद विहार जो है शॉप का, क्योंकि नाम है बड़ी फेमस शॉप है कोडरमा में, जो राजनीतिक माहौल अभी नजर आ रहा है तो क्या टक्कर नजर आ रही है कोडरमा में? कोई टक्कर नहीं है यहाँ, केवल जो है जैसा विगत 10 वर्ष से चल रहा है वही यहाँ का माहौल है। यहाँ का माहौल है, यहीं के रहने वाले कोडरमा के? नहीं, हम कोडरमा के। प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? कैसे लगते हैं मोदी जी? छोड़िए इस सब को, नहीं लीजिए, भैया कह रहे छोड़िए, वोट देने जाइएगा तो कैसे छोड़ दे हम। आगे की तरफ मैं चलूं, यहाँ पे लोग मिठाई लेने आए हैं, देखिए मिठाइयाँ बहुत सारी है। सर कुछ मीठा लेने आए हैं? जी जरूर लेने आया हूँ। तो घर में बच्चों के लिए या किसी और को देने के लिए, त्योहार के लिए? खुद के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ले रहा हूँ। भैया आप कोडरमा के रहने वाले हैं? जी। मुझे लगता है वो भैया तो छोड़ के चले गए, बीच में बड़ा बुरा सा लगा कि जब लोग जवाब नहीं देते हैं। आप बताइए ना चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। अन्नपूर्णा जी कैसी नेता है? जीत रही है। जीत रही हैं। और विनोद जी? पर एक ही जीतेंगे ना? एक ही जीतेंगे ना, जनता बड़ा एकदम आंसर करेक्ट देती है। हमारा काम है सर दो सवाल पूछ ले। बोलिए ना। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं मोदी जी, अच्छे लगते हैं। मुझे लग रहा है मेरा कलाकंद तैयार हो गया है, थोड़ा सा स्वाद चख लेते हैं। भैया आइए ना, आपने तो जवाब देने से मना कर दिया था, मुझे कम से कम कलाकंद चखने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कलाकंद, जल्दी से दे दीजिए और कलाकंद को देखिए और स्वाद चख लेते हैं। इसकी जो स्टफिंग होती है वो किस किस चीज़ से होती है? कलाकंद जो बनता है वो
केवल दूध और चीनी का मिश्रण रहता है, केसर डाल करके इसको फ्लेवर किया जाता है और ये बहुत कम मीठा होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है, हल्का रहता है, छेने का ये पका हुआ छेना हुआ। चलिए, पका हुआ छेना हुआ। और ये रहा कलाकंद। जैसे भैया ने कहा है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि मीठा भी ठीक है और स्वाद भी अच्छा है। कैमरा बंद करके खाऊंगी आपके सामने नहीं, और अगर आपको खाना है तो कोडरमा आइए। कोडरमा बहुत चीजों के लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है, झुमरी तलैया शहर जो है अपने आप में फेमस है। सबसे ज्यादा रेडियो प्रेमी यहाँ से निकले हैं, जो कि सबसे ज्यादा गाना सुनना पसंद करते थे और लेटर चिट्ठियां लिखा करते थे ताकि मन पसंदीदार गाने जो है रेडियो पे सुन सके। फिलहाल प्रवीण बाहर चलते हैं, बाहर का नजारा दिखा दो, जो कि मार्केट की तरफ ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से निकलेंगे सीधा मार्केट में और फिर से प्रवीण एक बार कलाकंद दिखा दो, केसरिया रंग का कलाकंद जो कि सिर्फ और सिर्फ कोडरमा में मिलेगा और पूरे भारत में यहाँ से जो है ये कलाकंद जाता है। चलते हैं लोगों के बीच इसको खत्म करने के बाद और फिर लोगों से करते हैं बात। झुमरी तलैया मार्केट के अंदर आ गई हूँ, महिलाएं मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे बात करूंगी, देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को क्या कारण क्या है? सबको घर दिए हैं, अनाज दे रहे हैं फ्री में, और क्या बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं। ये सांसद जी कौन है यहाँ पे? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जी, बहुत अच्छा लगा आपको पता है ये जानकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। विनोद सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हम उनको नहीं जानते हैं। उनको नहीं जानते हैं? मोदी जी के कोई दो काम बता दीजिए। मोदी जी तो घर बना, बोले तो गरीब को घर दिए, किसी को झोपड़ी है नहीं ना, अनाज दे रहे फ्री, हम लोग खा ही रहे हैं बस खुश। हम लोग खुश है। मोदी जी को 10 में से नंबर दीजिए। वो खुशी है 10 खुश, 10 में से 10 नंबर खुश है। भैया क्या हाल है? हाल ठीक है मैडम, बोलिए। हाँ बोलिए। झारखंड में आके जोहार बोलना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो बोलिए ना, जनता को देख रही है आपको, जोहार बोलिए। जय जोहार। जय जोहार। और इसी बात पे बताइए चुनावों का क्या हाल है इस बार? बड़ा बुरा हाल है मैम। कारण है यहाँ बेगारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 2024 है, चुनाव है, वोटिंग का टाइमिंग है, दो बड़े नेता है, इस बार किसको टक्कर में देख रहे हैं? दोनों मैडम है, एक अन्नपूर्णा देवी है और आपका ये विनोद सिंह है। मजबूत लीडर कौन लग रहा है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा जी कौन है? हमारी वर्तमान सांसद हैं। वर्तमान सांसद है। केंद्र में क्या है? केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। मंत्री जी है? केंद्रीय मंत्री है। शिक्षा मंत्री है। शिक्षा राज्य मंत्री है। क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा में अन्नपूर्णा जी ने? शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार तो यहाँ की है, केंद्रीय विद्यालय आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, काम तो बहुत हुआ है। मोदी जी को 10 में से नंबर दीजिए। 10 में 10। अन्नपूर्णा देवी? 10 में 10। चुनावी टक्कर लड़ाई नजर आ रही? कोई टक्कर नहीं है, जीत रही है। देश में प्रधानमंत्री कौन है? देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सांसद कौन है? सांसद हुए अन्नपूर्णा देवी। कैसा काम कर रही है अन्नपूर्णा देवी? का काम अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? डिसअपॉइंटेड है, टोटली डिसअपॉइंटेड। यू आर डिसअपॉइंटेड? टोटली डिसअपॉइंटेड। एजुकेशन के मामले में क्या हाल है? बस मोदी के नाम पर उनको वोट मिल रहा है, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिन पर वोट उनको मिलना चाहिए। और प्रशासनिक भाजपा प्रशासन से भी यही अगर आपके द्वारा कहना हो तो यही कहेंगे कि यहाँ का कैंडिडेट कोई अच्छा होना चाहिए था, कैंडिडेट बदलना चाहिए। भैया क्या हाल है? एकदम बदलना चाहिए मैडम। देखिए हर 5 साल में हम लोग चेंजिंग चाहते हैं, हर 5 साल में हम लोग चेंजिंग चाहते हैं। और वर्तमान सांसद कुछ काम नहीं हुआ है मैडम। मेन अभ्रक नगरी है, अभ्रक बंद है, यहाँ से पूरी तरह उसी से रोजगार है, फुटपाथ वाले लोगों का सारा कुछ, यहाँ का बिजनेस उसी से चलता है और अभ्रक पूरी तरह से बंद है। ये सरकार पूरी तरह से फेल। सड़कों का क्या हाल? सड़क का भी सारा कोई मतलब व्यवस्था नहीं है मैडम। आसपास गांव झुमरी तलैया में हूँ ना। जी जी, हाँ जी, आप झुमरी तलैया फेमस है। जी जी, यहाँ कोई मतलब विकास का नाम कुछ नहीं हुआ है मैडम। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है यहाँ, बस लोगों को सिर्फ ठगा गया है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। और इस बार हम लोग चेंज चाहते हैं, इस बार हम लोग पूरी तरह चेंज चाहते हैं। किसको इस बार देख रहे हैं चुनाव? बस आप समझ ही रहे हैं, अब एगेंस्ट में जो है और क्या। अच्छा बात बताइए, झुमरी तलैया जाइए, इधर आइए ना। लोग कहते हैं कि फिल्मों में नाम आया है, रेडियो के जरिए झुमरी तलैया का नाम मशहूर है। हाल ही में प्रधानमंत्री झुमरी तलैया का नाम लेके गए हैं। इतना झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, क्या हाल है झुमरी तलैया में? बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़ेगा और हमारे यहाँ युवाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी का कार्यकाल जो 10 साल का रहा वो एक्सक्लूसिव रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा युवा और बेरोजगारी पे ध्यान देना पड़ेगा। सांसद महोदय से निवेदन है, बाकी मोदी जी का तो काम 10 में 10। अच्छा, सांसद महोदय जी को लेकर नाराज है, भैया कह रहे चेहरा बदलना चाहिए। देखिए सांसद महोदय
तो ऐसा नहीं है कि कोई खराब है, लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा युवाओं पर और बेरोजगारी पर ध्यान देना पड़ेगा। और सांसद महोदय ठीक है, मोदी जी को 10 में से नंबर दीजिए। 100 नंबर में तो 10 में से मांग रही थी, भैया ने तो आंकड़ा ही पार कर लिया। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है अभी। सांसद जी कौन है आपकी? मोदी है। मोदी जी सांसद जी है? नहीं, ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा जी जानते हैं उन्हें? हाँ। विनोद जी कौन है? वो भी सांसद विधायक थे। विधायक थे नहीं, विधायक है दादा अभी। हाँ, अभी हाँ। कोई बात नहीं, सब पे सवाल नहीं करेंगे। क्षेत्र का हाल क्या है? हमारा बगोदर क्षेत्र पड़ता है, बढ़िया क्षेत्र है। बढ़िया क्षेत्र है, क्या लेने जा रहे थे? सब्जी लेने जा रहे हैं। चलिए चले जाइए, नहीं तो भाभी गुस्सा होगी कि हमने आपको रास्ते में रोक दिया। क्या करते हो? काम करते हैं। किस चीज़ का? खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, बेकार चल रहा है। सांसद जी कैसी है? हमको तो अच्छा नहीं लगा। क्या चाह रहे हैं इस बार? चेंज हो जाए सांसद। कारण तो बताओ, चेंज क्यों होना चाहते हैं? क्यों चाहते हो सांसद चेंज? प्रशासन भी लापरवाह है, कोई चीज का भी केस करते हैं तो कोई चीज में काम नहीं आता है, पैसा खाता है, फिर से केस दाब देता है। डीसी के पास गए, डीसी बोला कि ठीक है कार्रवाई करेंगे, डीसी भी कार्रवाई नहीं किया। इतना यहाँ पे जमीन का माफिया बढ़ गया है, कुछ कहना ही नहीं है। 5 लाख का रंगदारी मांगा जा रहा है। माफिया गिरी बढ़ गई है। हाँ भैया, यही रहते हो? हाँ यही रहते। थोड़ा इधर आओ। ये अन्नपूर्णा जी कौन है? अन्नपूर्णा देवी तो सांसद है। सांसद है, कैसी सांसद है? कैसा काम किया 5 साल? है ठीक है, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। हम देश के विकास के लिए सरकार बदलना चाहिए। क्या चाहेंगे विकास के नाम पर आप लोग? विकास के नाम पर और कोई अच्छा विकास हो, मतलब विकास पर विकास के नाम पे चाहिए क्या? हमको देश के विकास के लिए सरकार बदलना चाहिए, तबे विकास होगा देश के। एक ओके सत्ता दे दीजिएगा तो लूट के खा जाएगा किसी को, इतना जरूर बोलते। 70 साल कांग्रेस को दिया और 10 साल बीजेपी को दिया, फिर बदलना है। 60 साल में 60 रुपए लीटर तेल था और 10 साल में 100 पार कर गया। 100 पार कर गया, 400 रुपए सिलेंडर 2014 तक 600 रुपए सिलेंडर था और यहाँ 10 साल में 1000 पार कर गया। महंगाई बढ़ गई, महंगाई ढेरे बढ़ गई, मन है कि बदल दिया जाए। हाँ सरकार बदलना चाहिए देश के विकास। अभी अभी देखिए युवा खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए, यहाँ पर युवा खड़े। भैया क्या करते हो? बोलिए, मुस्कुरा रहे, सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या करते हो? अरे कुछ नहीं भाई। नहीं डरा रहे, सवाल पूछ रहे। दादा कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत कुछ किया। अन्नपूर्णा जी का क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। विनोद जी कैसे हैं? सब ठीक है। तलैया को क्या चाहिए? बहुत कुछ, जैसे बहुत कुछ चाहिए। बाकी पब्लिक है बताएगी। पब्लिक दादा आप काउंट नहीं होते पब्लिक में? हाँ हाँ पब्लिक में तो वोट देने जाइए। जरूर जरूर। क्यों जरूरी है वोट? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? लोकतंत्र को बचाने के लिए क्यों जरूरी है दादा? ठीक है ठीक है, बाकी ठीक है। कह रहे हैं ठीक है ठीक है, ऐसे ठीक है ठीक है कह के निकल जाते, कैसे काम चलेगा? आप बताइए सर, क्षेत्र का क्या? ये बताएंगे क्या? क्षेत्र का क्या हाल है सर? अच्छा है सर। सांसद जी क्या की 5 साल? 5 साल में 3 टंकी बनाई है। क्या क्या कहा? उसमें पानी भी नहीं है मैडम। अच्छा, टंकी तो बहुत बनाया लेकिन पानी नहीं उसमें है। बात बताइए, नेता चुन के आते हैं, आप लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, काम नहीं होता तो फिर कैसा लगता है? काम कैसे नहीं, काम हुआ ना, टंकी बना ना, हाँ। तो काम कैसे नहीं हुआ? 6 लाख वोट से फिर जीत रही है, चिंता की क्या बात है? गारंटी है, मोदी की गारंटी है, राहुल जी की गारंटी नहीं, अन्नपूर्णा की गारंटी है। अच्छा। जी विनोद जी को कैसे देख रहे हैं? वो हम देखवे नहीं किए उनको कभी। अरे भैया रुक बताइए, 5 पॉइंट बता दीजिए फटाफट के, अन्नपूर्णा जी क्या दी क्षेत्र? अन्नपूर्णा देवी शांति बनाए हुए है क्षेत्र में, दूसरे जगह प्रशासन व्यवस्था बहुत तगड़ा है, मतलब यहाँ कोई भी आपने लग रहा है सच बोला इसलिए लाइट आ गई। सच बोला है इसलिए लाइट आई है। बताइए सुरक्षा का क्या हाल है क्षेत्र? अच्छा भी बढ़िया है, कहीं कुछ नहीं, आराम से आइए जाइए, बताइए स्टेशन से प्रेम से घर पहुंच जाइएगा। रुक जाइए ना, बोलने दीजिए ना। झुमरी तलैया आइए, फिल्मों में नाम सुनिए, झुमरी तलैया आइए, रेडियो शो में नाम सुनिए। झुमरी तलैया क्यों फेमस है? झुमरी तलैया मायका के कारण फेमस है जी। अभी क्या हाल है मायका और अभ्रक का? मायका भी ठीक ठीक है, कुछ नहीं है मायका, आज के डेट में बिल्कुल बंद है, ठप है, बुरी तरह गरीब आदमी मर रहा है। रोजगार के नाम पर कोडरमा कहाँ है? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट पर। सांसद जी का क्या हाल है? सांसद का तो रिपोर्ट कार्ड ठीक है। सांसद
आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक है, रोजगार जीरो है? हाँ, रोजगार जीरो है। कहे मायका फील्ड खत्म हो गया, क्रेशर खत्म हो गया। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी नेता ठीक है, विपक्ष में नेता विहीन है। नेता विहीन है? राहुल जी को जानते हैं? जानते हैं। कौन है? वो भी नेता है और क्या है, वो भी नेता है। बहुत छोटे छोटे में लोग निपटा देते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, प्रवीण मार्केट की तरफ घुमाओ, वहाँ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए, आम लोगों से राय सुन रहे थे आप, और कुछ व्यापारी वर्ग के भाइयों से भी बात कर लेते हैं। दादा, सबसे पहले तो बताइए, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे। देश सुरक्षित हाथों में है? एकदम 100%। अन्नपूर्णा जी को लेकर क्या ख्याल है? 100% जीतेगी। विनोद जी का क्या हाल है? अभी तो हम अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में बता रहे हैं। अन्नपूर्णा जी यहाँ से जीतेंगी। अच्छा, बात बताइए, जीत हार तो वोटों के ऊपर तय करते हैं, व्यापारी वर्ग का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कहाँ कमी है? किसी तरह की कमी नहीं है। कोविड के बाद बिगड़ा या सुधरा या स्थिति नॉर्मल है? सुधरा है, सुधरा है। क्या अपने आप को देख सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में व्यापारी वर्ग का काम और उन्नति पे जाएगा? जी जरूर जाएगा। मोदी जी के काम क्या पसंद है? हर काम पसंद है। जैसे व्यापारी वर्ग के लिए किसी तरह GST को लेकर हम देख रहे थे कि लोग थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे, कह रहे कि GST का स्लैब ज्यादा हो जाता है, ये ठीक नहीं है। आप तो व्यापारी वर्ग से, आप क्या कहें? कुछ नहीं, वैसा कोई बात नहीं, सही है सब। मोदी जी के कार्यकाल को कितने नंबर जी? 100%। 100%। भैया आप क्या करते हैं? यही सब व्यापारी करते हैं। व्यापारी भाई, भाई क्या बोल रहे हैं इस बार चुनावों को लेकर? मोदी जी निकलेंगे। कारण क्या है? अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कोई काम बुरा नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भले के लिए कर रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है? हाँ एकदम है, 100% है। कैसे भरोसा कर रहे हैं आप? सब काम अच्छे कर रहे हैं तो भरोसा तो करेंगे ही। भरोसा इसीलिए करेंगे क्योंकि सब काम अच्छे कर रहे हैं। अन्नपूर्णा जी का क्या हाल है? वो भी ठीक है, यहाँ कोडरमा से वो निकलेगी। अच्छा, बात बताइए कि कोडरमा की जनता और खासकर झुमरी तलैया की जनता अपने नेता से भविष्य में क्या चाहती है? अच्छे चाहते हैं। कैसे, क्या क्या चाहते हैं, क्या सुधार? जैसे जो भी हो रहा है तो अच्छे हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है? हॉस्पिटल फिलहाल खाली, क्या बोलते हैं उसको, इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे नॉर्मल कोई काम बेसी हो तो यही झुमरी तलैया हम लोग करवा लेते हैं, और कोई ज्यादा इथी रहे तो फिर रांची जाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए ना, सबसे मजबूत नेता विपक्ष में कौन नजर आ रहा है? विपक्ष? हाँ। वैसा तो कोई भी नहीं। चंपई सोरेन जी को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। चंपई सोरेन जी को नहीं जानते, आप जानते हैं? जी। अच्छा दादा, एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे की तरफ आइए ना, बड़ा मुश्किल होता है उधर दूसरी तरफ आके बात करना। काम कैसा चल रहा है? ठीक है। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है इस बार? इस बार बीजेपी मोदी सरकार चाहते है। क्या हो गया दादा, आवाज बहुत कम आ रही, मेरी आवाज बहुत ज्यादा है। खाना पीना खाए है? मोदी सरकार चाहते है। क्यों, मोदी सरकार क्यों? उन्होंने देश को ऊंचा किया है, 370 हटाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, गरीबों के लिए अच्छा काम किए हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे 370 हटी तो कश्मीर वालों को है, और आयुष्मान कार्ड बना तो गरीब आदमी को फायदा है। व्यापारी वर्ग को क्या किया है सरकार ने, क्या दिया व्यापारी वर्ग? व्यापारी लोग को सुरक्षा दिया मैम, कानून व्यवस्था बढ़िया है। राज्य स्तर पर तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथों में है, तो राज्य सरकार ने काम इसका मतलब अच्छा किया है? नहीं मैम, यहाँ का सांसद जो है ना वो प्रशासन पर पकड़ अच्छा रखते हैं, दूसरे जगह झारखंड में ऐसा स्थिति नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ अच्छा है। अच्छा, यानी कि शासन की पकड़ प्रशासन पर है, इसीलिए आप लोग खुश है। आपकी सरकार से कोई मांग है कि जो भी सरकार बने व्यापारियों के लिए कुछ करे, जैसे कोई मांग आप लोगों की? ठीक है मैम, ऐसे तो सब पूरा करते ही है, ऐसा कोई विशेष है नहीं, हम लोग खुश हैं अभी उनसे। 10 में से नंबर दीजिए सांसद जी को। 10 में से सांसद जी को नंबर दीजिए। 10 नंबर। और मोदी जी को? 100%। मुख्यमंत्री कौन है झारखंड? चंपई सोरेन। राहुल गांधी कौन है? विपक्ष कांग्रेस के सांसद हैं। कल्पना जी को कैसे देखते हैं? वो नहीं है, केवल परिवारवाद है उस। परिवारवाद है, ये परिवारवाद का संज्ञा दी गई है कल्पना जी के नाम। चलिए बस, सब नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं पूछेंगे,
जनता जो बोलेगी हम सवाल उसके आगे पूछेंगे। व्यापारी वर्गों की राय सुन ली है। अब क्योंकि मार्केट में घूम रही हूँ, ये भी जो है मार्केट के बीच में ही मुझे नजर आई दुकान जहाँ पर मैं आई। अब बाहर की तरफ चलते हैं प्रवीण, और प्रवीण जो है मेरे कैमरा पर्सन है और इसीलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। बाहर आइए, बाहर बात करेंगे और लोगों से। कटोरी चम्मच बर्तन लेना हो तो महेश भैया की दुकान पर आ जाइएगा। झुमरी तलैया में जो है ये दुकान पड़ती है मार्केट में। मैंने तो आपकी पब्लिक सिटी कर दी है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। माहौल क्या है चुनावों का? माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ, काम तो जरूर हुआ है। पक्का? हाँ, पक्का काम हुआ है। क्या हुआ बताइए ना। देखिए, जगह जगह पर गांव में तो रोड बना है, फ्री में हम लोग को सिलेंडर मिला है, और भी बहुत जगह शौचालय भी फ्री उपलब्ध करवाया गया है। हाँ, जगह जगह पर गरीबों को मकान भी बना कर दिया गया है। ये टीवी देख के बता रहे हैं या खुद भी कुछ प्रैक्टिकली देखा? नहीं, एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जो मेरा गांव में मिला है, मेरा शहर क्षेत्र में मिला है, ये सब सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो बर्तन का दुकान है कब से लगा रहे हैं? बर्तन दुकान हम लोग 20 साल से लगा रहे हैं। 20 साल यानी कि दो दर्शक? हाँ, दो दर्शक हो गए हम लोग का। में रोजगार में कुछ मन किया कि कुछ और भी किया जाए, कुछ बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा वैसा डाला जाए, ऐसी इच्छा है? हाँ, वैसा तो इच्छा रहता है कभी कभी। हाँ, बिजनेस के लिए सरकार कह रही है, लोन दे रही है, तो लोन का जरूरत पड़ेगा तो जरूर लोन लेंगे हम लोग। हाँ, अभी जो मिल रहा है उसमें खुश है? हाँ, अभी हम लोग जो मिल रहा है उसमें खुशी है। ये जो सांसद जी है आपकी, हाँ, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, हाँ, जो केंद्र में मंत्री और यहाँ पर प्रत्याशी दोबारा बनी है, शिक्षा के नाम पे कोडरमा में कुछ की है मैम? कोडरमा में की तो की है, जहाँ जहाँ पढ़ाई हो रहा है उन लोग को बताएगा, शिक्षा में तो हम नहीं। आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ, पढ़ने के लिए तो जाते हैं। आपसे सवाल नहीं बनता है, बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है यहाँ पे? ठीक चल रही है उन लोग का। गवर्नमेंट में पढ़ाना पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूल का मुख देखना पड़ रहा है? प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है हम लोग को। ना आप बोल दिए ना सच्चाई एकदम, जहाँ चीजें डैमेज हो जाती है। देखिए, ऐसा मत कहिए, कैमरा घुमाइए, जो बाकी लोग खड़े हैं वो कह रहे झूठ बोल रहे, सबका अपना पॉइंट है, भैया ने बता दिया, बाकी सुविधाएं मिली होगी। मोदी जी को नंबर दीजिए 10 में। किसका नंबर देना? मोदी जी को नंबर दीजिए 10 में से, कितने नंबर देंगे काम? वो तो 10 नंबर ठीक है। 10 नंबर ठीक है मोदी जी के लिए? नहीं नहीं, 10 नंबर नहीं, वो तो पूरा 100% में ठीक है। ओ, पूरा 100% में। कैमरा पर्सन पीछे कैमरा घुमाइए, और जैसे ही कैमरा घूमता है कुछ लोग मुझे नजर आते हैं जिनसे मैं बात करने वाली हूँ। प्रवीण आगे चलिए, माहौल क्या है कोडरमा का? बढ़िया है। अच्छा है? अच्छा है। किसके पक्ष में लग रहा है? बीजेपी। कारण क्या? विकास नहीं किया, मोदी जी को जिताना है। विकास ये नहीं किया है लेकिन मोदी जी को जिताना है। सांसद जी काम के नाम पर फेल है जी, और जिताना किसको है? मोदी जी को। कब तक एक व्यक्ति के नाम पे नैया पार होगी? सब दिन होगी, जब तक मोदी जी हैं तब तक रहेगी। एक बार बताइए, कहते हैं आदमी जब चश्मा लगा ले तो नजदीक का और दूर का अच्छे से देखता है, आपने सारा आकलन कर लिया है? जी, केंद्र को देख के वोट दिया जा रहा है। राज्य सरकार का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। 10 में से मोदी जी के काम को? मोदी जी के काम को 10 में 10। अन्नपूर्णा जी को? 10 में 0। 10 में 0। चलिए भैया आप निकल जाइए, अगले भैया से बात कर लेते हैं। भैया क्या हाल है कोडरमा का? गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं? गड़बड़ है बीजेपी का। गड़बड़ है, थोड़ा तेज बोलिए भैया, मेरी आवाज़ ज्यादा तेज है। बीजेपी का स्थिति खराब है, बल्कि जीतेगी। कौन जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। स्थिति खराब है? हाँ, तब पर जीतेगी, साइलेंट वोट से। साइलेंट वोट से? आप साइलेंट वोटर है? हम लोग साइलेंट, हम लोग देख रहे प्रधानमंत्री को। बहुत सही बात है, कोडरमा से बैठे बैठे देश की राजधानी दिल्ली यानी कि प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। क्षेत्र में सांसद जी कुछ की है? नहीं की है, बल्कि प्रधानमंत्री है ना, करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री पे भरोसा है ना, क्या हाल है कोडरमा का? सही है, सही है, सही, सही, सही है। अन्नपूर्णा जी क्षेत्र में आती है? आती है। शिक्षा राज्य मंत्री, क्या हाल है शिक्षा का कोडरमा में? सही है, सब सही चल रहा है सब जगह। आपका काम धंधा ठीक है? सही, मोटा मोटी सही चल रहा है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। सर, अन्नपूर्णा जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कौन है सर? शिक्षा मंत्री हैं। सर, शिक्षा के नाम पे कोडरमा का क्या हाल है? सब कुछ सही है मैडम, सब सही कर रही हैं। मैडम सब सही कर रही है। मोदी जी से नाराजगी है? मोदी जी से नाराजगी है कि कुछ फ्रॉड, मैंने कुछ जाति को राजस्थान से लेके बहुत सारे जाति, कुछ बड़े जाति को वो सीट पूरे काट दिए पूरे ऑल इंडिया से, इसलिए मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दूंगा, अन्नपूर्णा देवी के नाम पे वोट दूंगा। जाति 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 मुद्दा जी जी जी, जो जो मोदी जी दिखा रहे हैं, पीठ पीछे दिखा रहे हैं, हाँ, कि पूरे
आपका जाके राजस्थान में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, सब जगह विरोध हो रहा है। एक विशेष समुदाय के जाति को उन्होंने टिकट से वंचित किया है। अच्छा। हाँ, इसके चलते मोदी जी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन अन्नपूर्णा देवी को वोट दूंगा। चलिए चलिए, अब आप एकदम से जो है आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि आपने अपना जवाब दे दिया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, रुक जाइए भैया, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग यहां से निकल रहे हैं, मैं उनसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं ताकि पता चले कोडरमा का क्या हाल है, कोडरमा की स्थिति क्या है। ठीक है सांसद जी, ठीक है। क्या काम की, क्या किया? ठीक है, जो काम है ये ठीक है, ठीक है। कोई नहीं बता रहा काम क्या किया सांसद जी ने। काम क्या कर? काम पुल बना, सब बना, काम हो रहा है, क्या हो रहा है वही तो पूछते है भैया। मोदी जी कैसे लगते हैं? ठीक है। नंबर दे दो मोदी जी को, 10 में से कितने दो? हां मोदी जी को नंबर दो 10 में से। नंबर दो, ठीक है मोदी जी, नंबर मांग रही हूँ, नंबर ही नहीं दे पा रहे भैया लोग। भैया जी मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। चलो प्रधानमंत्री है, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ जानकारी है तो बता रहे हैं। और ये देखिए पूरा मार्केट है झुमरी तलैया का, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, जहाँ पर जनता जनार्दन जो कह रही है वो मैं आपको उन्हीं के माध्यम से सुनवा रही हूँ। और अभी आपने देखी मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट झुमरी तलैया मार्केट से। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, झुमरी तलैया मार्केट, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।